हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय अ टाइपिस्ट इन टाइपिंग 100 पेजेस आर एज फॉलोस। एक टाइपिस्ट ने 100 पेजेस टाइप किए हैं और उसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं वो दिया हुआ है नीचे। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमें। सो पहले मैंने फ्रीक्वेंसी और एक्स के वैल्यूज जो दिए हुए हैं वो एक्स आई एंड एफ आई लिख दिया। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, जो एफ का टोटल होता है, वो होता है एन। एन का टोटल हमें 100 दिया हुआ है और 100 पेजेस भी हैं। अब सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है एम। सो मीन क्या होता है? मीन हम एक्स बार भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एन। नाउ एक्स आई एफ आई ये आप 11 से करते आए हो, एस वाई में भी किया था, एफ वाई में भी किया था। एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 42 0, 33 इंटू 1 33, 14 इंटू 2 28, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 4 16 एंड 5 इंटू 1 5। सो 33 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 5, सो आंसर आ गया 100। सो सिग्मा एक्स आई एफ आई 100 अपॉन एन 100। सो जो मीन है हमारा एम का वैल्यू है वो हो गया 100 अपॉन 100, दैट मीन्स 1। हमें मीन की वैल्यू पॉइजन में सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है। मीन नहीं दिया होगा हम आगे सम को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। सो ये हमने मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी एक्स, बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो दी नहीं हुई है तो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी? सो एम का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। सो सबसे पहले मैं पी ज़ीरो कैलकुलेट करूँगा। पी ज़ीरो मीन्स मैं x की वैल्यू 0 लूँगा और m की वैल्यू 1। सो m की वैल्यू मुझे 1 लेनी है। सो e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। नाउ e रेस टू माइनस 1, अब आप क्वेश्चन में देखिए e रेस टू माइनस 1 का वैल्यू दिया हुआ है हमें, तो ये रहा देखो 0.368। ई रेस टू माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.368। सो वो मैं वैल्यू रख रहा हूँ 0.368 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, इन दोनों को 1-1 कर दिया। सो आंसर आ गया 0.368। सो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 0.368, यह है पी ज़ीरो की वैल्यू। अब पी वन दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 एंड एम की वैल्यू 1 लेनी है, इसी फॉर्मूला में रखनी है। ई रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल।
नाउ ई रेस टू माइनस वन का वैल्यू 0.368 इनटू ई रेस टू वन वन रेस टू वन वन एंड वन, सो आंसर आया गया 0.368। सो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.368। नाउ P2 कैलकुलेट करेंगे। P2 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 लेनी है और m का वैल्यू 1 लेना है। सो e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सो e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू है 0.368 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। सो 0.368 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आएगा 0.184। हमारा जो आंसर आया 0.184 वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देन P3 दैट मीन्स x की वैल्यू 3 लेनी है और m का वैल्यू 1 ही रहेगा। सो e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो 0.368 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, 0.368 डिवाइड बाय 6 तो आंसर आया 0.061। सेम हम P4 कैलकुलेट करेंगे। e रेस टू माइनस m, m रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। सो 0.368 इंटू 1 रेस टू 4 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 24 एंड 0.368 डिवाइड बाय 24 तो ये आंसर आ जाएगा 0.015। अब हम x की वैल्यू 5 ले लेंगे। सो P5 इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस 1 1 रेस टू 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। सो e रेस टू माइनस 1 का वैल्यू है 0.368 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120। सो 0.368 डिवाइड बाय 120 तो ये आंसर आ गया 0.003। नाउ 0.0030 आ रहा है और बाद में 66 है तो हम 31 कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होगा वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। सो अगर कुछ डिफरेंस बच रहा है तो हम उस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। सो कैसे, देखिए 0.368 + 0.368 + 0.184 + 0.061 + 0.015 तो ये आ रहा है 0.996। माइनस 1 करें तो आंसर होगा 0.004। देखिए 0.003 एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, माइनर नंबर है, तो यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 करने के लिए लास्ट डिजिट को हमने एडजस्ट करके 0.004 कर दिया। नाउ हमें चाहिए क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एन
into probability. So 100 into 36.8, तो आंसर आ जाएगा 30. 100 into 0.368, तो आंसर आ जाएगा 36.8, 18.4, 6.1, 1.5 and 0.4. So now हम total करेंगे 36.8, 36.8, 18.4, 6.1, 1.5 and 0.4. तो ये आ गया हमारा expected frequency. अब हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारा आंसर क्या है. सो 36.8, 36.8, 18.4, 6.1, 1.5 and 0.4. सो दैट्स इट. यहाँ पर हमने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 20 में मीन नहीं दिया हुआ है, मीन हमने कैलकुलेट किया 11th में, FY में, SY में, जो आप यूज़ कर कर आए हो. मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या XI FI अपॉन एन, उस फॉर्मूला से मीन कैलकुलेट किया. हर एक वैल्यू X के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो कैलकुलेट की, एंड देन प्रोबेबिलिटी इंटू एन करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की. सो ये लेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ. अब आपका होमवर्क, होमवर्क में आप इलस्ट्रेशन में पॉइजन के जो इलस्ट्रेशंस हैं, पॉइजन के इलस्ट्रेशन सारे ट्राई करोगे. सारे दैट मीन्स कुछ ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं दिए हुए हैं, 11 इलस्ट्रेशंस हैं 1 से लेकर 11 तक. और बिलीव मी कोई भी सम करोगे आप 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे. सो ये 11 इलस्ट्रेशंस आपके होमवर्क में हैं. ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू करेंगे.